हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए, अभी हाल ही में बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने लिया है एक बहुत ही बड़ा डिसीजन। इन्होंने अपने पासपोर्ट से हटा दिया है ये सेंटेंस कि दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। इसका मतलब ये है कि ये पासपोर्ट सभी देशों के लिए वैलिड है, बस इसराइल को छोड़कर। देखिए, यहाँ पर ये आर्टिकल है इंडिया टुडे का, एक और आर्टिकल है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पहली बात तो आपको ये समझना होगा, दुनिया में बहुत देश हैं जिनके पासपोर्ट पर यह लिखा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान, ईरान, इराक, मलेशिया, सऊदी अरेबिया। मतलब ये है, ना तो इन देशों के लोग इसराइल जा सकते हैं और ना ही इसराइल के लोग इन देश में आ सकते हैं। ये पासपोर्ट पर ऐसा लिखने का रीज़न क्या है? इन सब का कारण है OIC में आने वाली सारी कंट्रीज, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। देखिए, इसके अंडर करीब 57 इस्लामिक कंट्रीज आती हैं, जिसमें 28 कंट्रीज हैं जो इसराइल को कंट्री ही नहीं मानती हैं, यानी कि इसराइल को देश ही नहीं समझती हैं। फॉर एग्जांपल, इनके नाम हैं इराक, कुवैत, लीबिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, सीरिया। मतलब कि 28 ऐसे देश हैं जिनके पासपोर्ट पर लिखा रहता है ये वाला सेंटेंस जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, अब बांग्लादेश इन 28 देशों वाली लिस्ट से अब हट चुका है, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट से रिमूव कर दिया है ये एक्सेप्ट वाला सेंटेंस। देखिए, बांग्लादेश के एक्शन पर इसराइल काफ़ी खुश है। देखिए, ये ट्वीट है इसराइल के मिनिस्टर का, ये कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश का स्वागत करते हैं और बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रही है इसराइल की तरफ से। इसराइल कह रहा है बांग्लादेश ने हटा दिया ट्रेवल बैन, हम तो कहते हैं कि हमारे साथ फुल बिजनेस रिलेशन इस्टेब्लिश कर लो और आपको बहुत फ़ायदा होगा और हमें भी बहुत फ़ायदा होगा, मिलकर काम करेंगे। देखिए, अब आप सोचेंगे कि क्या बांग्लादेश के लोग अब इसराइल जा सकेंगे? इसका आंसर है नहीं। देखिए, बांग्लादेश यहाँ पर क्लियरली कह रहा है कि देखो, हम बस अपने पासपोर्ट में इसराइल के बैन को हाईलाइट करना बंद कर देंगे। इसके पीछे बांग्लादेश ने रीज़न दिया है कि ये सेंटेंस इनको लगता है वियर्ड, बहुत अजीब लगता है। वैसे भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा हुआ अच्छा भी नहीं लगता है। बांग्लादेश पहला ऐसा देश नहीं है जिसने ऐसा डिसीजन लिया है, और भी कई सारी कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, UAE। पासपोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, बांग्लादेश का नागरिक ना इसराइल जा सकता है और ना इसराइल का नागरिक बांग्लादेश आ सकता है। ऐसा जब तक हो सकता है जब तक कि फलस्तीन को एक देश का दर्जा नहीं मिल जाता है या फिर टू स्टेट्स का मैटर सॉल्व नहीं होता है। बांग्लादेश अपना डिसीजन नहीं बदलेगा। देखिए, इसराइल का कहना है कि छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, ये बात भी एकदम ठीक है, लेकिन बांग्लादेश के सेंटेंस रिमूव वाले डिसीजन पर अभी तक बांग्लादेश के कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, आप इस सेंटेंस को दोबारा डालो पासपोर्ट पर, ये हमारा तरीका है इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का। कि ऐसे डिसीजन से बांग्लादेश और इसराइल के बिजनेस रिलेशन काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। देखो, अभी तक ऐसी रिपोर्ट सामने आती रही है कि बांग्लादेश और इसराइल साथ में करते हैं ट्रेड, पर सीक्रेटली, मतलब कि इनडायरेक्टली तरीके से। इसमें ये इंडिया का काफ़ी यूज़ लेते हैं। देखिए, अगर बांग्लादेश को कुछ खरीदना है अगर इसराइल से, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट, तो वो कहता है इंडिया को और इंडिया खरीदता है इसराइल से और फिर इंडिया सीक्रेटली बांग्लादेश को कर देता है एक्सपोर्ट। देखिए, बांग्लादेश इसराइल के इक्विपमेंट्स को हमेशा सीक्रेटली यूज़ करता है ताकि किसी और को पता ना चले, खासकर मीडिया को। अगर मीडिया के सामने मेड इन इसराइल इक्विपमेंट आ गया तो फिर आप जानते ही हो उनका काम है राय का पहाड़ बनाना। देखिए, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले एक आर्टिकल सामने आया था अल जजीरा का। अल जजीरा एशिया की फेमस न्यूज एजेंसी है, ये उसमें ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश डिफेंस में बहुत सारे इसराइल के इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है, जैसे सेलफोन मॉनिटरिंग। ये एक इसराइल की साइबर कंपनी है पिक्सिक्स, ये इनका इक्विपमेंट है, बांग्लादेश आज के समय में इनको यूज़ कर रहा है सीक्रेटली। यहाँ ये एक आर्टिकल है, इसके जवाब में ना तो बांग्लादेश ने आज तक कोई जवाब दिया, ना कुछ भी कंफर्म किया और ना ही इस जवाब को रिजेक्ट किया। देखिए, सच है कि बांग्लादेश और इसराइल ट्रेड करते हैं भारत के थ्रू। देखिए, ऐसे कई आर्टिकल सामने आए कि क्या बांग्लादेश सुधार सकता है अपने रिश्ते इसराइल के साथ। देखिए, इसराइल ने काफ़ी साथ दिया है बांग्लादेश का। जिस टाइम बांग्लादेश ने अपने आप को एक देश घोषित किया था, उस वक्त इसराइल ने ओपनली यह कहा था कि हम एक्सेप्ट करते हैं बांग्लादेश को एज अ कंट्री।